तो मैंने खरीद लिए हैं 5 बेस्ट ईयरफोन्स जो सिर्फ 200 रुपए से 350 रुपए की प्राइस रेंज में आते हैं। फिलहाल ये सभी इस प्राइस रेंज के सबसे बेस्ट सेलिंग ईयरफोन्स है जिन्हें फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अच्छे खासे रिव्यूज और रेटिंग्स मिले हैं। ये एक हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन है जिससे मैं आपको इनकी एग्जैक्ट ऑडियो क्वालिटी सुनाऊंगा, उसी के साथ इनके वोकल्स, बेस, बिल्ड क्वालिटी, माइक क्वालिटी को डिटेल में कंपेयर करेंगे। ये सभी डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से आते हैं, तो वो है फिलिप्स ऑडियो TEA 1126, मीवी रॉक एंड रोल E5, पीट्रॉन प्राइड लाइट, बोल्ट ऑडियो लूप 2 और बोल्ट ऑडियो X1। बोल्ट के दोनों ईयरफोन्स की प्राइस 350 रुपए है, पीट्रॉन लाइट की प्राइस सिर्फ 200 रुपए है, मीवी रॉक एंड रोल E5 की प्राइस 300 रुपए है और फिलिप्स के ईयरफोन्स 250 रुपीज में मिलते हैं। तो हर एक कैटेगरी में इन्हें कंपेयर करके 5 में से रेटिंग्स देने वाले हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा किस प्राइस में कौन से ईयरफोन्स आपके लिए लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इनकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो बोल्ट के दोनों ही ईयरफोन्स और मीवी में आपको एल शेप के कनेक्टर्स मिलते हैं, वही पीट्रॉन और फिलिप्स स्टैंडर्ड कनेक्टर्स के साथ आते हैं। बोल्ट के दोनों ही ईयरफोन्स और पीट्रॉन में आपको मेटल के ईयर टिप्स मिलते हैं और फिलिप्स और मीवी प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं। यहाँ पर बोल्ट X1 में आपको एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए ईयर हुक्स दिए गए हैं और बोल्ट लूप 2 में आपको ईयर लूप्स मिलते हैं जिन्हें आप इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी ईयरफोन्स में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। मीवी के ईयरफोन्स में आपको ब्रेडेड केबल मिलती है जिसकी क्वालिटी मुझे काफी बेस्ट लगी। साथ ही बोल्ट के दोनों ईयरफोन्स में आपको टैंगल फ्री केबल मिलेगी, उनकी भी क्वालिटी मुझे काफी बेटर लगी। उसी के साथ पीट्रॉन और फिलिप्स में भी प्राइस के हिसाब से केबल क्वालिटी डिसेंट मिलेगी, बट यहाँ पर पीट्रॉन की केबल क्वालिटी मुझे फिलिप्स से थोड़ी बेटर लगी। इन सभी में आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन, कॉल पिकअप एंड रिजेक्ट और प्ले पॉज के बटन्स मिलेंगे। साथ ही सिर्फ पीट्रॉन में आपको वॉल्यूम स्लाइडर मिलता है जिसे आप ईयरफोन का वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन इससे आप फोन का वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इनकी लुक्स और डिजाइन की बात करें तो बोल्ट के दोनों ईयरफोन्स और मीवी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star, पीट्रॉन को दूंगा 4 out of 5 star और फिलिप्स को दूंगा 3.5 out of 5 star। इनकी बिल्ड क्वालिटी और बटन कंट्रोल्स के लिए बोल्ट के दोनों ईयरफोन्स, मीवी और पीट्रॉन को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star और फिलिप्स को दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं इनके माइक क्वालिटी की, तो मैंने मेरे फोन के माइक्रोफोन से कंपेयर करके बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी माइक क्वालिटी बेटर मिलेगी। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो मेरे फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज इसमें आती है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो फिलिप्स के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो मीवी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो पीट्रॉन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो बोल्ट ऑडियो बेस बर्ड लूप 2 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो बोल्ट ऑडियो X1 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो आपने इन सभी के माइक क्वालिटी को सुन लिया है, तो इन सभी के माइक क्वालिटी में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, सिर्फ आपको पीट्रॉन की लाउडनेस थोड़ी कम लग सकती है, इसके अलावा बाकी किसी में कॉलिंग के साथ दिक्कत नहीं आएगी। तो इन सभी की माइक क्वालिटी को मैं दूंगा 4 out of 5 star। अब बात करते हैं इनके मेन ऑडियो क्वालिटी, बेस और वोकल्स की। तो ये एक स्टीरियो माइक्रोफोन है जिसे मैं इन सभी की एग्जैक्ट साउंड क्वालिटी आपको रिकॉर्ड करके सुनाऊंगा जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले इनके वोकल्स को चेक करते हैं और इसके बाद इनके बेस क्वालिटी को भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. तो आपने इन सभी की वोकल्स को सुन लिया है, तो यहाँ पर बोल्ट ऑडियो X1 की वोकल क्वालिटी मुझे सबसे बेस्ट लगी। साथ ही बोल्ट लूप 2 में भी आपको सिमिलर ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। उसके बाद मीवी की क्वालिटी भी मुझे बेस्ट लगी। साथ ही पीट्रॉन भी प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट वोकल्स प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर फिलिप्स की ऑडियो क्वालिटी मुझे सबसे एवरेज लगी। तो बोल्ट के दोनों ईयरफोन्स और मीवी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star, पीट्रॉन को मैं दूंगा 4 out of 5 star और फिलिप्स को दूंगा 3.5 out of 5 star। अब सेम ही इनके बेस को भी चेक करते हैं। We'll be right back.
तो आपने इनके बेस को भी सुन लिया है। तो यहाँ पर फिर से मुझे बोल्ट के दोनों ईयरफोन्स और मीवी की बेस क्वालिटी बेटर लगी। उसके बाद पीट्रॉन में भी प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट बेस मिलेगा, लेकिन फिर से फिलिप्स के ईयरफोन्स मुझे काफी एवरेज लगे। तो इनकी बेस क्वालिटी के लिए बोल्ट के दोनों ईयरफोन्स और मीवी को मैं दूंगा 4.5 out of 5 star, पीट्रॉन को दूंगा 4 out of 5 star और फिलिप्स को दूंगा 3.5 out of 5 star। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो अगर आप म्यूजिक क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो बोल्ट ऑडियो X1 को मैं नंबर 1, मीवी को नंबर 2 और बोल्ट बर्ड्स लूप 2 को मैं नंबर 3 पर रखूंगा। मीवी के ईयरफोन्स को नंबर 2 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये सिर्फ 300 रुपए में मिलते हैं और बोल्ट के दोनों ही ईयरफोन 350 रुपए के आते हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्ड क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी डिसेंट चाहते हैं तो बोल्ट ऑडियो X1 और लूप 2 में से किसी के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग टैंगल फ्री केबल वाले ईयरफोन्स चाहते हैं तो मीवी के ईयरफोन्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और अगर आपका बजट 300 रुपए से कम है तो फिलिप्स के बजाय पीट्रॉन के साथ जाना सही रहेगा। अगर बात करें इनकी रैंकिंग की तो नंबर 1 पर आते हैं बोल्ट ऑडियो X1, नंबर 2 पर आते हैं मीवी रॉक एंड रोल E5, नंबर 3 पर आते हैं बोल्ट ऑडियो बर्ड्स लूप 2, नंबर 4 पर आते हैं पीट्रॉन प्राइड लाइट और नंबर 5 पर आते हैं फिलिप्स के ईयरफोन्स, जिन्हें मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट ईयरफोन जो 300 रुपए की बजट प्राइस रेंज में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।